गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इनकम्पैटिबिलिटी टॉपिक, दैट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज़ कम्पैटिबल मीनिंग। ओके, कम्पैटिबल विच मीन्स टू थिंग्स एबल टू एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट प्रॉब्लम्स। अगर कोई दो लोग या कोई भी दो गैमेट आपस में बिना किसी प्रॉब्लम्स के एक साथ रहते हो, दैट इज़ सिंपल मीनिंग कंपैटिबल। आप बहुत अच्छे जानते हो कंपैटिबल मीनिंग। ओके, एंड हियर वी टॉक अबाउट द इनकम्पैटिबिलिटी, दैट मीन डिड नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, वो एक साथ नहीं रह सकते, सो देयर आर सम बैरियर्स। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज़ SI, रिफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ प्लांट विद फंक्शनल पॉलेन to set seed when self-pollination from failure of pollen from a flower to fertilize the same flower or other flowers of the same plant. Incompatibility क्या हो सकता है, means एक simple flower है, ठीक है, same plant का flower है, but वो फिर भी same kind of pollen से fuse नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो there are two self-incompatibility barriers, okay? First heteromorphic system and second is homomorphic system. If self incompatibility, heteromorphic self incompatibility, then here incompatibilities of the same species produce more than one morphological type of flower. For example, relative length of style and stamen of the same flower. एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड बकबीट रिसेल। अगर हम हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम, तो दे आर मार्फोलॉजिकल बैरियर्स। मार्फोलॉजिकल बैरियर्स दैट मीन्स कि इन केस ऑफ स्टाइल इज वेरी लॉन्गर देन एंथर एंड स्टिग्मा इज एट द टॉप इन कंपेरिजन टू एंथर, सो दिस पॉलिन कैन नॉट रीच टू द स्टिग्मा। ओके, second things, anther filament is a more larger than style or stigma, there are so many distances between. Okay, here also the distance between the pollen and between the stigma, so there are so morphological barriers which is responsible for self incompatibility. Means ek hi plant mein एंथर स्टिग्मा मेल फीमेल बोथ पार्ट होते हुए भी ये फ्यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग दैट इज होमोमॉर्फिक सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज नॉट कनेक्टेड विद मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज, मीन्स यहाँ पे ऐसे कोई भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज नहीं क्रिएट होंगे। हेयर इज ड्यू टू जीनो टाइप ऑफ प्लांट ऑन विच इट इज प्रोड्यूस बाई इट्स ओन जीनो टाइप। जीनो टाइप दैट मीन्स जेनेटिक डिपेंडेंट। ओके, जीन्स लाइक आप एलील के बारे में जानते होंगे, ओके, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस फ्लावर, इट्स फ्लावर हैव स्मॉल एस काइंड ऑफ जीनोटाइप एंड दिस फ्लावर हैव अ डोमिनेंट एस काइंड ऑफ जीनोटाइप। ओके, सो इफ एनी प्लांट हैव बोथ, देयर आर सो मेनी पॉलेंस विच सम कैरी आर स्मॉल पॉलेन small s genotype of pollen and some of the pollen carry dominant s type of pollen, so which is reach to the stigma and grow to the ovule. Okay, so here if this kind of pollen is dominant allele, okay, if this type of flower have dominant allele, so here only dominant pollen will reach and fuse with this egg. Okay, so dominant allele fuse together to form dominant kind of gamete, that is homomorphic system. Okay, there are two self incompatibility. Okay, incompatibility operates between the species and it enters the specific as well as within the species and without the species, within and between species. Within the species, that means it is
इंट्रा स्पेसिफिक. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मे बी इंट्रा स्पेसिफिक एंड बिटवीन द स्पीसीज इट मे बी इंटर स्पेसिफिक. जब भी वर्ड आता है इंट्रा दैट मीन्स विद इन द स्पीसीज, इंटर दैट मीन्स बिटवीन द स्पीसीज. सो इनकम्पेटिबिलिटी ऑपरेट बिटवीन टू काइंड ऑफ स्पीसीज, इंट्रा स्पेसिफिक स्पीसीज और इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज. ओके गाइज, सो वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी? तो सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, इट मे बी ड्यू टू द पॉलन स्टिग्मा इंट्रैक्शन एंड पॉलन ट्यूब स्टाइल इंट्रैक्शन एंड पॉलन ट्यूब ओव्यूल इंट्रैक्शन. एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. मीन्स अगर कि सेम काइंड ऑफ फ्लावर एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो रहा है तो हम इसमें किसी और पॉलिन को लाके से फ्यूज करा के एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन कर सकते हैं. सो बेसिकली इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं एंड इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम सेल्फिंग को रोक सकते हैं. ठीक है ना, कि आपको पता होना चाहिए अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल को हम कॉन्टिन्यू फ्यूज कराते जाएं तो जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी सर्वाइबिलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो धीरे धीरे क्या होगी, उनकी वैरायटी, उनके जो जीन्स हैं वो डाउन होने लगेंगे और वो कम हो जाएंगे. फिर हमें कोई भी न्यू एक्स्ट्रा डोमिनेंट हाइब्रिड फॉर्म ऑफ जीन्स नहीं मिलेंगे. तो ये इसको भी अवॉइड करता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.